उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के मुगराबाद शाहपुर में दशहरा व दो दिवसीय भारत मिलाप को सकुशल संपन्न कराने को लेकर थाना परिसर में तहसीलदार सुदर्शन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक दलों व चौकियों पदाधिकारियों के साथ हुई। बैठक में दशहरा को शांतिपूर्वक व भाईचारे के साथ मनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। 21 व 22 अक्टूबर को होने वाले दो दिवसीय भारत मिलाप को संपन्न कराने पर चर्चा हुई। इस दौरान तहसीलदार सुदर्शन कुमार ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए दशहरा व दो दिवसीय भारत मिलाप त्यौहार मनाए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए चौकी निकाले। कस्बा इंचार्ज कमलेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत मिलाप पर निकली जाने वाली चौकी व लाग निर्धारित समय पर निकलेगी, इसे सकुशल संपन्न कराना सबकी जिम्मेदारी है और उन्होंने भारत मिलाप पर नक्शे का सेवन न करने की अपील की। नगर इंचार्ज ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सभापति नगर सभासद जी, क्या निर्णय लिया गया इस समिति बैठक में मेले को देखते हुए? इस समिति तहसीलदार साहब मौजूद हो पाए, इसी कारण से व्यस्तता की वजह से कोई भी SDM साहब और बिजली विभाग से SDO साहब या JI साहब, नगर पालिका से भी कोई प्रतिनिधि नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से उन्होंने शासन द्वारा बताए गए निर्देश को भी बताया है कि कम संख्या के साथ मैक्सिमम आप चौकी के साथ 20-25 की संख्या में लोगों को रख सकते हैं और दल को DJ को कम करके आप त्योहार को मना सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ एक जगह पे इकट्ठे न होने पाए, जिसका हम लोगों ने सहमति दिया कि नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे, लेकिन मीटिंग को पुनः रखने की बात उनसे जोर शोर से उठाई गई, जिससे यहाँ की बिजली की जो जर्जर तार की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जो नगर पालिका के द्वारा सफाई की व्यवस्था है, ऐसा कोई भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद न होने की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन शासन के निर्देश को साहब ने बताया है, उस निर्देश को हम लोग पूरी तरह से पालन करते हैं। मेले में चौकियों को निकालने के लिए क्या निर्देश आया है? मेले में चौकी को निकालने के लिए साहब ने कहा है कि आप 20 से 25 की संख्या में ज्यादा से ज्यादा उसमें भीड़ रख सकते हैं, जिसका हम लोगों ने सहर्ष उनके निर्णय का स्वागत किया और निर्देश को हम लोग पूरी तरह से जो भी शासन द्वारा बताया गया है उसको हम लोग मानेंगे। अग्रिम मीटिंग का आयोजन कब किया गया है सर? अगली मीटिंग के लिए उन्होंने कल या दशहरा होने की वजह से परसों नहीं हो सकता, कल या उसके बाद के दिन में उन्होंने मीटिंग बोला। सर, दशहरा के भारत मिलाप मेले को लेकर क्या निर्णय लिया गया है, शासन क्या गाइडलाइन है? यहाँ पे जितनी चौकियाँ निकलती जी, उनके दल के जो प्रमुख लोग आए हुए हैं और कुछ संविधान व्यक्ति भी हैं इस नगर के, तो भारत मिलाप में जो इन लोगों का चौकियाँ निकलती हैं उस संबंध में संख्या कम से कम रखी जाए और कोविड को देखते हुए व्यक्तियों के बीच दूरी बनाई जाए, उससे सबसे अच्छा सारे लोग सहमत हैं, शासन के जो निर्देश है उसके अनुसार बनाए जाने के लिए। दूसरी बात जो और इन्होंने समस्या बताई है, जैसे कई मोहल्लों में बिजली के तार लटक रहे हैं या लूज हैं, तो वो समस्या नोट कर ली गई है, संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए इसको समय रहते ठीक करा दिया जाएगा।